पार्वती पिता महादेवा
एक सेकंड, हाँ हाँ मैम रेडी चलेगा। हाँ अरे केशव ओके और मैम इधर देखिए हरी ओके थैंक यू कम वन एट टिकट बुक सर अगर कुछ जनरली पूछना है तो आप पूछ सकते हो दरी नहीं तो आप बाद में हम दोनों पूरा माहौल एकदम शांत था कोरोना की वजह से लेकिन ये साल जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं गणपति क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सेकंड नीचे के आए हैं। हां जी बिल्कुल हमारी मैं शायद 2 साल पहले भी DKP प्रोडक्शन के साथ ही एक शो कर रहा था और तब भी हमने इतने ही ज़ोर शोर से गणपति जी का स्वागत किया था और वो आज वो यादें हो गई ताज़ा हो गई। बहुत ही अच्छा माहौल है आई होप कि वो हमारे यहाँ पे भी और खुशियाँ लेके आए और हमारा शो और अच्छा करे। फेस्टिव माहौल है सब लोग आए हैं एवरीबडी इज लुकिंग सो प्रिटी एंड नाइस एंड ऑल्सो एक बहुत प्योरिटी और पॉजिटिविटी आ जाती है सेट पे विच वी ऑल कैन फील राइट नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस। हाँ जी हाँ नहीं नहीं हमें मौका नहीं मिला क्योंकि वो अलग लोग पूरी टीम एक हैंडल करती है सब चीज़ें क्योंकि जैसे कि आपको पता कि DKP के 4 शो चल रहे हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग डेकोरेशन वो सब अरेंजमेंट उन्होंने ही की है। हाँ जी यहाँ पे तो ऑफ कोर्स हम यही चाहेंगे कि शो डज बेटर इन फ्यूचर ऐसे ही चलता रहे और सबकी लाइफ में अच्छा हो सब खुशी का माहौल रहे सेट पे। यस जब भी हम बात सुनते हैं गणपति तो सबके मन में कोई ना कोई स्लोगन या तो कोई गाना याद आता है सो क्या कुछ। बहुत सारे गाने हैं एक्चुअली लेकिन ये रिश्ते हैं प्यार के में हमने एक सॉन्ग परफॉर्म किया था जो बहुत ही अमेजिंग था वन ऑफ माई फेवरेट परफॉर्मेंसेज जो गणपति जी के लिए किया था। I don't remember the lyrics of the songs right now, but which one? What was it? आरती थी या song था proper? Song, proper song. Okay. मतलब it was a movie song, but yeah, celebration के लिए वो गाना याद आता है. I'm sure कि लोगों को पता है मैं किस song के बारे में बात कर रहा हूँ. अगले बरस आना. हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ हाँ. हाँ अग्निपथ. तुझको फिर तलवा दिखाना ही वो वाला. नहीं. I don't remember exactly. हाँ हाँ okay. देवा श्री गणेश. Yeah 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 yes yes yes. आई एम इनटू चॉकलेट मोदक बहुत यम्मी लगते हैं दोज अमेजिंग कपकेक्स दे मेक मतलब मैं डिफरेंट डिफरेंट कुछ नया नया लेके जाती हूँ अपने फ्रेंड्स के घर पे सो या चॉकलेट मोदक इज माय फेवरेट। सो हाउ मेनी डेज We'll be a part of the prayers every day और it's 5 days हाँ five days हमारे यहाँ पे पिछली बार की तरह इस बार भी शायद 5 दिन के लिए ही है। मैं पुणे में था तो पुणे में तो बहुत अमेजिंग सेलिब्रेशन होता है ऑफ कोर्स यहाँ भी अच्छा होता है लेकिन वहाँ की सब सड़कें बंद हो जाती हैं और सब पैदल रस्तों पे निकल जाते हैं अलग अलग जगह दर्शन करने के लिए। कॉलेज में था मैं और मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोकल लोग थे तो उनके साथ में हमेशा निकल बहुत अमेजिंग माहौल होता है मतलब आई डोंट नो आप पुणे गए हैं या नहीं बट वहाँ पे बहुत अलग ही माहौल होता है सब लोग रस्तों पे होते हैं और कोई गाड़ियाँ नहीं होती। एक्चुअली मैं जब बॉम्बे तो पहली बार मैंने देखा वहाँ पे लाइक नॉर्थ में यूपी में बनाते हैं बट यहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है सो ऑफ कोर्स आई सॉ इट लाइक जो लाल बागचा राजा होता है मैं उनको देखा फिर मेरी फ्रेंड मैं हर साल उसके घर पे जाती हूँ तो इट्स मोर लाइक जैसे ईद पे वो मेरे घर पे बहुत ज़्यादा सज के आते हैं वैसे ही मैं बहुत सज के टुडे ओनली वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि मुझे पूरे से दुल्हन बन के सज के जाना है दर्शन के लिए सो आई थिंक यहीं पर देखा जो देखा बरेली में तो इतना नहीं होता था कभी भी सेलिब्रेशन। आप उनका भी सॉन्ग आ रहा है आपने देखा नहीं बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं।
बस बताइए नहीं 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 अच्छा सॉन्ग है, बहुत ही अच्छी वीडियो है। हाँ कल ही आई है वो, कल ही रिलीज हुई है। व्हाट्स द नेम ऑफ द सॉन्ग? अभी यू आर इन द कैरेक्टर। मोहब्बत करता हूँ, यस, कितनी मोहब्बत करता हूँ। See the thing is she is in character right now, वो costume है तो वो सब बाकी भूल जाती है। कितनी मोहब्बत करती है। आप दोनों के songs को काफी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, इंटरव्यू बात कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे, क्या कुछ feedback? मैं यही कहना चाहूंगा कि I would like to do a song with her. Yeah, we should actually. Yeah. हम even though यहाँ पे shoot करते रहते हैं और हम बहुत सारे गाने यहाँ पे करते हैं। But अच्छा है, like I was traveling right now, ये अभी कल जा रही हैं, तो साथ में कहीं जाएंगे तो अच्छी अच्छी location पे तो अच्छा रहेगा। हम बहुत टाइम से साथ में कोई गाना करना चाह रहे थे मगर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही थी, और फाइनली जब वर्कआउट हुई तो बहुत एकदम लास्ट मोमेंट है वो, शायद हमने जिस दिन शूट किया उसके 3-4 दिन बाद वो रिलीज भी हो गया गाना। हाँ नहीं या आई वेंट टू दिल्ली ना फॉर 2 days. Yeah, but I came back and in 3-4 days it came out. Oh wow! So, अच्छा लगा. I mean, we also like this song. और विशाल सर की आवाज़ है उसमें, जो सिंगर हैं, बहुत ही अमेजिंग. मुझे खुद बहुत पसंद है उनकी आवाज़. गाना भी अच्छा था. And people are liking the song. तो बहुत अच्छी बात है. Thank you so much for all the love. Okay, last तो कि वो तो है अल्पिला, हमारे शो का नाम है. देखते रहिए, अभी वो दूसरे कैरेक्टर में चली गई थी. हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन, एंड देखते रहिए वो तो है अल्पिला. कुछ अच्छे मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं शो में, बहुत ही प्यारी प्यारी सिचुएशंस हैं. हम खुद एंजॉय कर रहे हैं शूट करना, और होपफुली आप भी जब देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा. रेकमेंड कीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि अच्छा शो है, ज़्यादा लोग जानते नहीं है शो के बारे में, सो प्लीज़ बताइए उन्हें. एंड थैंक यू फॉर लविंग अस, सपोर्टिंग अस. मैं भी सब मैं ही बोल दूँ, कीप द लव कमिंग, थैंक यू. ऑनलाइन आप लोगों को काफी ज़्यादा पसंद किया है. जी जी जी, ऑनलाइन पता नहीं कितना मैटर करता है या नहीं करता है, आई डोंट रियली नो द लॉजिक्स इसके पीछे क्या है, बट हाँ कोशिश कीजिए टी वी पर देखने की. स्टार भारत पर आते हैं हम रोज मंडे टू सैटरडे, यस, रात को 9 बजे. तो देखते रहिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू.